हाय अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये वीडियो में देख लीजिए। बहुत जनों को गैस सिलेंडर देख लीजिए एक महीने से ज़्यादा आता नहीं है। कई को तो प्रॉब्लम होता है, गैस सिलेंडर में जल्दी में ख़त्म हो जाता है। गैस सिलेंडर कितना बचा है उनको मालूम नहीं होता है। देख लीजिए, आपको मैं दो तरीके दिखाऊंगा। दो तरीके में आपको गैस सिलेंडर में गैस कितना है आपको आसान तरीके से मालूम कर सकते हैं, आपको बहुत ईजी। और एक आपको आपको गैस ज़्यादा दिन चलने के लिए आपको एक टिप्स दूंगा, वो भी ये वीडियो में देखते रहिए। आप देख लीजिए, मैं तीन सिलेंडर यहाँ रखी हूँ। तीन सिलेंडर में देख लीजिए, ये खाली सिलेंडर, ये आपको फुल सिलेंडर, ये आपको हमें भरते हैं सिलेंडर, ये 10 दिन हो लगा को, ये आपको दिखा देख लीजिए। ये खाली सिलेंडर है, ये सिलेंडर आपको फुल सिलेंडर अभी सील भी नहीं काटे, ये आपको 10 दिन हो भरते हैं। एक एक गैस सिलेंडर में कितना गैस आता का तो आपको मालूम। देख लीजिए, आपके गैस सिलेंडर पर लिख हुआ था, हाँ देख लीजिए, 14.2 किलो है, ऐसा 14.2 किलो गैस है, कितना फुल आता। अब हमें गैस सिलेंडर लेवल चेक करेंगे कितना फुल है। कि पहले आप एक चम्मू में एक पानी ले लीजिए, पानी आप क्या करते हो तो कपड़े से पोंछे जा, नहीं कहा तो पानी हम डाले जा। अब मैं पानी आपको डाल कर दिखा दूँ, देख लीजिए ऐसा ऊपर से डालना, ऐसा आप पानी डाल के देख लीजिए। 5 मिनट के बाद चेक करेंगे, देख लीजिए दोस्तों 5 मिनट हो गया, कितना वो आपको गिल्ला की बचा है। देख लीजिए, ये फुल सिलेंडर है, हमने ऊपर से डाल लेना पानी, देख लीजिए पूरा गिल्ला की हुंच है, कहता ये सिलेंडर में हमने को गैस सिलेंडर फुल है हमने को, देख लीजिए इसमें पूरा ख़त्म हो गया है, हमने को थोड़ा भी गिल्ला की नहीं है। देख लीजिए रत्ती है लास्ट में, वो भी चल जाता, इसमें हमने क्या भी नहीं है, गैस खाली सिलेंडर है। ये आकर हम 10 दिन रहो बर्थ को यूज़ करते हो 10 डेज, देख लीजिए इसमें आकर हम लोग यहाँ से पानी का थेम लगता है, देख लीजिए ऐसा पानी का थेम लगता है, कहते तो इतना गैस है हम लोग को, इतना ख़त्म होगा 10 दिन को, देख लीजिए इतना ख़त्म होगा 10 दिन को, जो ऐसा आपको मालूम पड़ जाता। पानी विभाग आप चेक कर सकते हैं, आपके गैस सिलेंडर पर भी चेक कर लेना, आप गैस कितना केजी आपको देता कि 14.2 किलो एक गैस इसमें भरते। आप गैस चेक करने के लिए ऐसा पानी डाल को चेक करना जरूरत भी नहीं, आप क्या करते हो तो एक रेगुलेटर ले लेना, आप रेगुलेटर में थोड़ा मीटर रहना, इसे ऐसा मीटर वाला रेगुलेटर ले लेते हो आपको कितना गैस है आपको मालूम पड़ जाता। एक बार दिखा दो, देख लीजिए ऐसा वाला एक रेगुलेटर ले लेना, कहते ये वाला नहीं थोड़ा अलग वाला, ये नॉर्मली है दूसरे सिलेंडर चढ़ाने के लिए, और एक रेगुलेटर का आपको हमने पाइप कनेक्शन देने के लिए कनेक्शन होता है एक इधर, इसको नहीं है आपको दिखाता हूँ सिम्टम्स होना, तो पिक्चर दिखाता हूँ एक बार देख लीजिए रेगुलेटर ऐसा रहता। ऐसे मीटर वाला आप रेगुलेटर आप होना चाहे तो आपको मैं लिंक देता हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप क्लिक करके उसे अमेजन में आप परचेस कर सकते हैं, आपको कितना गैस हुआ कभी कभी आप चेक कर सकते हैं बहुत आसान से। दोस्तों आपका गैस जल्दी हो जाता है तो ज़्यादा आने के लिए मैं एक टिप्स बताता हूँ, देख लीजिए आप ज़्यादा खाना पकाते हैं ऐसे सिल्वर बोगने में ज़्यादा खाना पकाते हैं ना, ये ज़्यादा हीट नहीं गर्म करता है, उसके लिए हम लोग ज़्यादा गैस खर्चा होता था आपको। देख लीजिए दोस्तों, आपका गैस बचाना चाहते हैं तो देख लीजिए स्टील का बोगनी ज़्यादा यूज़ करिए, आपको ज़्यादा एक हीट ज़्यादा ये लेता, आपको जल्दी खाना पक जाता, ज़्यादा गैस आपको बच जाता, आपको 10 दिन और काम करेगा। ऐसा स्टील बोगने में आप खाना कोई तो पकाइए, आपको ज़्यादा गैस नहीं होता, ऐसे बोगने में पकाया तो ज़्यादा गैस खर्चा होता। ओके दोस्तों, आप गैस चेक करने ऐसा मीटर का रेगुलेटर चाहिए तो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक देता हूँ, वो लिंक क्लिक करके आप परचेज भी कर सकते हैं, वरना आप चेक कर लीजिए अमेजन में मिल जाएगा। ये वीडियो में इतना था। ओके दोस्तों, मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट्स करिए, देखते रहिए ऐसे क्रिएटेड इसमें, और एक बार मिलेंगे, जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।